ओके तो अभी तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था, सेल्स वेरियंसेस, मार्जिन वेरियंसेस है ना, एंड मटेरियल वेरियंसेस। क्या ध्यान रखना है अपने को, एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट। तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेबर का ना, तो जस्ट राइट इट डाउन, एनालिसिस ऑफ लेबर वेरियंस, एनालिसिस ऑफ लेबर वेरियंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन, इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। एनालिसिस ऑफ लेबर वेरियंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। कैन यू रिफर क्वेश्चन नंबर 11? ओके, अपने पास दो सीट है, एक अपना होमवर्क सीट है, एक अपना क्लास वर्क है। तो क्लास वर्क का जस्ट यू रिफर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ क्लास वर्क। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक का, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ टेक्स्ट बुक। ओके हाँ, करेक्ट, ऑल लेबर रिलेटेड कॉस्ट आपको निकालना है। ऑल राइट, मैंने आपको क्या लिखा है था, एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैनेजर यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है कि साहब अगर आप 100 यूनिट्स बनाते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, 180 आवर्स ऑफ स्किल्ड वर्कर, 120 आवर्स फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर एंड 300 आवर्स फॉर अनस्किल्ड वर्कर, और उसका रेट क्या रहेगा, 5, 3 एंड 2। ओके तो कैसे करेंगे, बनाओ नोट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड, स्किल्ड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, कितना हम लोगों को टाइम लगा था, 180, 120, 300, 180 फॉर 100 यूनिट्स। हम लोग कितने यूनिट्स बनाने वाले हैं, 1600 यूनिट्स। ओके देन 120 फॉर 100 यूनिट्स, हम लोग कितने यूनिट्स बनाने वाले हैं, 1600। देन 300 फॉर 100 यूनिट्स, और हम लोग कितना बनाने वाले हैं, 1600। ओके निकालो कितना टाइम लगेगा, 1600 2880 आवर्स, 1920 आवर्स, 4800 आवर्स। मैंने क्या लिखा था आपने को, एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन, क्वेश्चन में दे रखा है, दिस इज वी आर डूइंग पार्ट ए, कौन सा कर रहे हैं हम लोग, पार्ट ए। पार्ट ए में थ्री टाइप्स ऑफ वर्कर्स, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड, राइट, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड, कितने आवर्स अपने को लगते हैं, 180 फॉर 100 यूनिट्स, हम लोगों को कितना बनाना है, 1600। सही है, सुनो राइट। अब अपन क्या बना सकते हैं, अपना क्या रहता था स्टाइल, स्टेप नंबर वन, दिस इज लेबर वेरियंस, लेबर वेरियंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, इट मीन्स स्टैंडर्ड एंड दिस इज योर एक्चुअल। ओके स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड आवर्स रेट
अमाउंट, आवर्स, रेट एंड अमाउंट. 2880192048 00 इंटू व्हाट इज द रेट पर आवर? 5, 3 and 2. योर एक्चुअल आवर्स इज 3000, 2000 and 5000. दिस कम्स टू 10,000. वॉट इज योर रेट? 5.2, 2.5 and 1.8. आर यू फॉलोइंग? ओके, टेक द कैलकुलेशन. 2880 into 5 is 14,400. 1920 into 3, 5760. 4800 into 2, 9600. 2880192048 00 9600. 14,400, 5760, 9600, 29,760. 3000 into 5.2, 15,600. 2000 into 2.5, 5000. And 5000 into 1.8, 9000. 15,600, 5000 and 9000, 29,600. सही है, सुनो. ऑलराइट, क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था? 29,760. क्या कॉस्ट आ रहा है अपने को? 29,600. इट्स गुड. ओके, क्योंकि हम लोगों ने क्या सोचा था? 29,760. क्या कॉस्ट आ रहा है? 29,600. क्या करेंगे स्टेप नंबर टू? स्टेप नंबर टू, दिस इज योर लेबर वेरियंस. स्टेप नंबर टू, लेबर वेरियंस. 29,760, 29,600, 160 फेवरेबल. 29,760 हम लोगों ने सोचा था, 29,600 एक्चुअल में आ रहा है. इसके लिए अपने को क्या हो गया? 160 फेवरेबल. अब इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, एंड दूसरा आपका रहेगा लेबर रेट वेरियंस. एक आपका रहेगा लेबर एफिशिएंसी वेरियंस और एक आपका रहेगा लेबर रेट वेरियंस. एफिशिएंसी मींस इन टर्म्स ऑफ आवर्स. सो व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट, यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट. है, बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन. ओके, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. कितने आवर्स हम लोगों ने सोचे थे? 2880, 1920 and 4800. लेकिन उसके सामने कितने आवर्स लग गए? 3000, 2000 and 5000. रेट पर आवर इज 5, 3 and 2. रेट 5, 3 and 2, लेकिन उसके सामने पे किया 5.2, 2.5, 1.8 into एक्चुअल आवर्स 3000, 2000 and 5000. बराबर, हम लोगों ने क्या आर्स सोचे थे? 2880, लेकिन एक्चुअल में आर्स ले लिए 3000. 120 आर्स का लॉस हो गया इनटू 5, क्या आ जाएगा आपका? 600 एडवर्स. बराबर, 1920 लेस 2000 इनटू 3, क्या आ जाएगा? 240 एडवर्स. 4800 माइनस 5000, कितना? 200 आर्स मोर इनटू 2, दिस इज 400 एडवर्स. 600, 240 प्लस 400, 1240 एडवर्स. दिस इज 600 एडवर्स, क्योंकि सोचा था 5 रुपीज रेट आ रहा है 5.2, कितने का लॉस हो गया? 20 पैसे. 3 less 2.5 into 2000, दिस कम्स टू 1000 फेवरेबल. 2 less 1.8 into 5000, दिस कम्स टू 1000 फेवरेबल.
प्लस 1000 फेवरेबल माइनस 600 एडवर्स 1400 फेवरेबल. दिस प्लस दिस हमेशा अपना क्या होना चाहिए, दिस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है लेकिन स्टार्टिंग में एक सम में डालना है तो डाल सकते हैं ये फॉर्मूला, क्योंकि सब कुछ हमारा टेबुलर फॉर्म में है राइट. तो क्या करेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस दिस इज एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट राइट. दिस इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर्स, सही है सुनो. उसके बाद दो, दिस इज योर लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस और इसको बोलेंगे लेबर मिक्स और गैंग वेरिएंस, लेबर मिक्स और गैंग वेरिएंस. क्या टोटल आर्स हम लोगों ने सोचे थे, सेम वही सेल्स और मटेरियल की तरह कितने सोचे थे, 9600 आर्स आपके कितने यूज हो गए, 10,000. 9600 टोटल सोचा था, एक्चुअल में आर्स यूज हुए 10,000. दिस इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट, इनपुट मींस आर्स राइट, मल्टीप्लाई बाई 29760 डिवाइडेड बाई 9600. सो 29760 डिवाइडेड बाई 9600 इंटू 400, दिस कम्स टू 1240 एडवर्स. हम लोगों ने सोचा था टोटल, हम लोगों ने सोचा था टोटल कितने आर्स लगेंगे, 9600, एक्चुअल में आर्स आपको यूज हो गए 10,000, सही है सुनो. देन दिस इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, इसको क्या बोलेंगे, लेबर बोलो यील्ड वेरिएंस है ना, दिस इज आवर्स एंड दिस इज आउटपुट. आर्स से 9600 आउटपुट 1600 यूनिट्स, 9600 में हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था, 1600 यूनिट्स बनेगा, कितने में, 9600 आर्स में कितना यूनिट्स बोला था उसने, 1600. हम लोगों ने कितने आर्स पुट किए, 10,000. तो प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, 1600 9600 इंटू 10,000 एंड दिस कम्स टू 1666.67 1666.67, लेकिन उसके सामने प्रोडक्शन कितना हुआ, ओनली 1600. तो अपने को 66.67 यूनिट्स का क्या हो गया लॉस, इट्स सिमिलर टू दैट मटेरियल ओनली. क्या हम लोगों ने सोचा था 9600 कितने यूनिट्स के लिए, 1600. तो 10,000 में कितने यूनिट्स बनने चाहिए, 1666.67, लेकिन आफ्टर पुटिंग 10,000 वी आर गेटिंग ओनली 1600 यूनिट्स. तो 66.6 यूनिट्स का अपने को क्या हो गया, लॉस राइट. और दिस इज द कॉस्ट, इट मींस 29760 इज द कॉस्ट फॉर 1600 यूनिट्स. तो 29760 इज द कॉस्ट फॉर 1600. तो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 66.67 एंड दिस कम्स टू 1240 एडवर्स. ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, टैली, सही है सुनो राइट. ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला, टोटल स्टैंडर्ड आर्स माइनस टोटल एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट, स्टैंडर्ड एवरेज रेट, टोटल स्टैंडर्ड आर्स माइनस टोटल एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट. यील्ड के लिए आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पहले आप लिखो टोटल स्टैंडर्ड आर्स माइनस टोटल एक्चुअल आर्स इंटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट, स्टैंडर्ड एवरेज रेट पर आवर. यहां पे आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड आर्स, दिस इज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आर्स माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन इन एक्चुअल आर्स, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आर्स, क्या प्रोडक्शन होना चाहिए और क्या हुआ है राइट, एक्चुअल प्रोडक्शन इन एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट
पर यूनिट ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स, राइट, बराबर। अब आप आ जाइए लेबर मिक्स और लेबर गैंग वेरियंस, राइट, दिस इज स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, डू आराम से, राइट। आउट ऑफ 9600 मैंने क्या सोचा था स्किल्ड कितना रहेगा 2880, राइट, 2880 आउट ऑफ 9600, तो आउट ऑफ 10,000 आपका क्या हो जाएगा, राइट। देन 1920 डिवाइडेड बाय 9600 इनटू 10,000, देन 4800 आउट ऑफ 9600, तो आउट ऑफ 10,000 आपका क्या हो जाएगा, ओके, 2880 9600 इनटू 10,000 3,000, 1920 डिवाइडेड बाय 9600 इनटू 10,000 2,000, राइट, 4800 9600 इनटू 10,000 इज 5,000, राइट, देन 3,000, देन 2,000 एंड देन 5,000 इनटू रेट पर आर 532 एंड द वेरियंस इज 0, समझे हैं, राइट। दिस इज योर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, इनटू स्टैंडर्ड रेट, का दूसरा पार्ट है। हम लोगों ने होमवर्क शीट भी लिया है ना, अभी आप पहले बी पार्ट, आप मुझे बताइए, कैन यू ट्राई बी पार्ट, करिए जरा, बी पार्ट कैसे करेंगे बताओ, हाँ, तो स्टैंडर्ड आर्स हमारे क्या रहेंगे सेम, खाली हमारे क्या चेंज हो रहे हैं एक्चुअल आर्स, सो फटाफट डू, राइट, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा उससे ना, करिए फटाफट। खुद से ट्राई करिए पार्ट बी, पार्ट बी स्टैंडर्ड आर्ट्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन तो सेम ही रहेगा, राइट, है ना, ये आपको वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको ये टेबल बनाना है, बराबर, क्योंकि ड्यूरिंग सितंबर 2006 द फॉलोइंग वर द डिटेल्स ऑफ लेबर आवर्स रिकॉर्डेड फॉर द आउटपुट ऑफ 1600, तो हमारा प्रोडक्शन तो सेम है, तो आपको ये नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये टेबल बना सकते हो, राइट, लेबर वेरियंस फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज माई एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1600 यूनिट्स, राइट, ट्राई करिए खुद से, स्टैंडर्ड एक्चुअल लेबर आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स ए सेम, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, स्टैंडर्ड आवर्स हमारे सेम रहेंगे
2880, 1920 and 4800. इसका रेट पर आर रहेगा 5, 3 and 2, सेम ही रहेगा ना, 5, 3 and 2. एक्चुअल आर्स 2800, 1900 and 5300. $14,400, $5,760, $9,600, $9,600. एक्चुअल रेट पर आर 5.22.5 and 1.8, 5.2, 2.5 and 1.8, 14,560, 4750, 9540. $28,850 जा रहा है एक्चुअल. अब आप एनालिसिस ऑफ वेरियंस करिए, क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था 29,760, क्या कॉस्ट आ रहा है 28,850. हम लोगों ने कॉस्ट सोचा था 29,760, जबकि एक्चुअल में कॉस्ट आ रहा है 28,850. क्यों हम लोग ग्राफिकल में डालते हैं, ताकि कभी मिसिंग फिगर रहेगा तो हम लोग उसको टैली कर सकते हैं, राइट. दिस इज स्टेप नंबर टू, एनालिसिस ऑफ वेरियंस, राइट. फर्स्ट लेबर कॉस्ट वेरियंस, क्या लेबर कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था 29,760, एक्चुअल में आ रहा है 28,850, 910 फेवरेबल. अब इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, दिस इज लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, राइट. 2880, 1920, 4800, 2800, 1900, 5300. व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, दिस इज 400 फेवरेबल, 60 फेवरेबल, 1000 एडवर्स. हम लोगों ने सोचा था 2880 आर्स, लेकिन एक्चुअल में लगे कम, तो इट्स गुड, राइट. हम लोगों ने रेट बोला था 5 एडवर्स, ओके. हम लोगों ने सोचा था रेट 5, रेट आ रहा है 5.2. हम लोगों ने सोच रहा था 3, रेट आ रहा है 2.5, 2, रेट आ रहा है 1.8 इंटू 2800, 1900, 5300. 2800 into 0.2, 560 adverse. 3 less 2.5, 1900, 950 favorable. क्योंकि 3 rupees rate सोचा था ना, rate आ रहा है 2.5.
टू लेस 1.8 इनटू 5300 1060 फेवरेबल. क्या हो जाएगा 950 फेवरेबल 1060 फेवरेबल लेस 1450 फेवरेबल और ये है 540 एडवर्स. तो ये इसके साथ टैली होना चाहिए. सही है सोनो. तो पहला आपका हो गया लेबर कॉस्ट वेरियंस डिवाइड इन टू. वन इज लेबर एफिशिएंसी वेरियंस एंड अनदर इज लेबर रेट वेरियंस. बराबर. अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे. फर्स्ट लेबर सब एफिशिएंसी वेरियंस. लेबर सब एफिशिएंसी वेरियंस और फिर आपका आ जाएगा लेबर, इसको बोलते हैं मिक्स वेरियंस और लेबर गैंग वेरियंस. लेबर सब एफिशिएंसी वेरियंस क्या सोचा था 9600, क्या आ रहा है 10,000 इनटू 29760 डिवाइडेड बाय 9600. एडवर्स. हाँ उसकी जगह कितना आर्स लगा से सॉरी 9600 की जगह अपन ने 10,000 ले लिया ना डियर. 29760 डिवाइडेड बाय 1240 राइट. यू वांटेड टू स्कोर मैक्सिमम. हा प्लीज अलर्ट एकदम. दिस इज लेबर यील्ड वेरियंस. ये हमेशा क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ आर्स. ये हमेशा क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. आउटपुट यूनिट्स आवर्स. आउटपुट आवर्स 9600 आउटपुट 1600. इफ द आर्स इज 10,000 1666.67 के सामने आपको मिल रहा है 1600 इंटू 29760 डिवाइडेड बाई 1600. 29760 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 66.67 क्या आएगा अपना 1240 एडवर्स. समझा या नहीं समझा. बोलो. ऑल राइट. अब क्या ले लेंगे लेबर मिक्स और लेबर गैंग वेरियंस. स्किल्ड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड 2880 1920 एंड 4800 डिवाइडेड बाय 9600 9600 9600. आउट ऑफ 9600 हमारा ये क्या था स्किल्ड वर्कर 2880 है ना. तो आउट ऑफ 10,000 क्या होना चाहिए राइट. तो अपने को रिवाइज करना पड़ेगा मिक्स को ना डियर. 10,000 एंड दिस इज 3000 1920 2000 why yeah yeah 2800 1900 5300 into what is the rate 5 3 and 2 3000 less 2800 into 5 1000 favorable 300 favorable 600 adverse.
700 फेवरेबल 1240 एंड 540. सही है, सुनो. ऑल राइट, समझ में आ रहा है? बोलो. तो एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट? एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉमा लेबर कॉमा वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड मैंने फर्स्ट उसमें लिखा है ना, नोट देखो, स्टार्टिंग में लिखाया था आपको. एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. ऑल राइट, ओके. अब आप आ जाइए होमवर्क सेक्शन में ना. देखिए जरा होमवर्क सेक्शन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क सेक्शन. जो होमवर्क की जो हम लोगों ने बनाई है सीट, वो किसके ऊपर है? जो लेटेस्ट अभी आईसीआई ने जो मॉड्यूल निकाला है उसके सारे क्वेश्चन अपन ने कवर किए हैं होमवर्क में. लेटेस्ट जो आईसीआई का निकला है मटेरियल, उसमें हम लोगों ने कवर किया. देखो जरा होमवर्क का क्या दे रखा है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24 आप जरा देखिए क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ये जो लेटेस्ट मॉड्यूल निकाला है ना आईसीआई ने, उसमें ये इलस्ट्रेशन 4 है. देखो नीचे दे रखा ना इलस्ट्रेशन 4 क्या बोल रहा है. द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ ए फॉर्म इज एज अंडर. स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इज 1000, स्टैंडर्ड रेट पर आर इज 0.5, एक्चुअल टाइम टेकन 900, एक्चुअल वेजेस पेड 360, कंप्यूट द वेरियंसेस. है देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन आपके पास है, आप जरा देखो सॉल्यूशन आपके पास है. लेबर वेरियंस जरा ध्यान दो, खाली सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है. लेबर वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, यहां पे कुछ नहीं दे रखा, लेकिन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आपको दे रखा है. सॉल्यूशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सेम दे रखा है, राइट? इट मींस आर्स दिस इज रेट एंड अमाउंट, दिस इज आवर्स एंड रेट एंड अमाउंट. कितने आर्स थे अपने, देखो 1000, एक आर को बनाने में 0.5 कितना हो जाएगा 500, बट एक्चुअल में जब हम गए तो क्या हुआ 900 आर्स गिवन ना इन द क्वेश्चन. दिस इज 360 डिवाइडेड बाई 900 इज 0.4. सॉल्यूशन आपको दे रखा है, बराबर समझ में आ रहा है? बोलो कैसे करेंगे. लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस, क्या कॉस्ट आपने सोचा था 500, क्या कॉस्ट आया 360, कितने का प्रॉफिट हो गया 140. नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, प्रोडक्शन मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर ऑलवेज फॉर आर्स, इट मींस लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, ये लेबर रेट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी 1000 आर्स से एक्चुअल में 900 आर्स इंटू वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट 50 फेवरेबल. हमने सोचा था 1000 आर्स लगेंगे, लगे ओनली 900, 100 आर्स सेव हो गए इंटू 0.5 50, है ना. 0.5 सोचा था, रेट आ रहा है 0.4. वेन एवर देर इज ए रेट पार्ट जो मल्टीप्लाई बाई द एक्चुअल आर्स, आपका क्या आ जाएगा 90 फेवरेबल. सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है, राइट? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 24 जहां पे हमारे क्वेश्चंस टेस्ट बुक के खत्म हो रहे हैं, उसके बाद अपन ने इसको सीरियल में रखा है. सही है, सुनो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है एकदम पक्का, नो कंफ्यूजन, ओके. तो ये अपना टेस्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10 और होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 24 इज सेम, तो वहां पे भी टिक कर दीजिए. देखो टेस्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, टेस्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10 सेम है ना. टेस्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10 और अपना ये क्या रहेगा आपको सेम.
से यस ऑर नो राइट. कैन यू टाइप ट्राई क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अपना. क्वेश्चन नंबर 12 आराम से रीड करिए आप. लाउडली थोड़ा ना. ए गैंग ऑफ वर्कर्स नॉर्मली हाँ 35, 15, 10 दिस इज द स्टैंडर्ड एंड द वर्किंग वीक इज फॉर 40 आवर्स एंड इफ द 35 men 15 women 10 boys if they are working together for 40 hours they can produce 2000 but we wanted to produce only 1900 है ना. तो आप बना सकते हैं. इट मीन्स स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मैन वुमेन एंड बॉयज. मैन वुमेन एंड बॉयज 35, 15, 10 दे आर वर्किंग फॉर 40 आवर्स. इन 40 आवर्स दे कैन प्रोड्यूस 35 × 40 = 1400 hours 15 × 40 = 600 hours 10 × 40 = 400 hours इसमें दे कैन प्रोड्यूस 2000 units है ना. एंड वी वॉन्टेड टू प्रोड्यूस ओनली 1900. 1400 × 2000 × 1900 1330 hours 600 × 2000 × 1900 570 400 × 2000 × 1900 380 hours right then actual hours for actual production men women and boys. जब हम लोग एक्चुअल में काम करने गए तो हमारे पास क्या था 34, 12 and 9 week is for 40 hours say yes or no 34 × 40 = 1360 12 × 40 = 480 9 × 40 = 360 40 hours common
हमारा खाली गैंग चेंज हो रहा है करके ना, हमारा जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, गैंग, हम लोग का जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, गैंग, राइट। हमारे पास 40 आवर्स का वीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या गैंग था, 35, 15 एंड 10। इफ दे आर वर्किंग फॉर 40 आवर्स दे कैन प्रोड्यूस अप टू 2000, बट वी वॉन्टेड टू प्रोड्यूस ओनली 1900। सही आंसर नो, जब हम लोगों ने एक्चुअल में किया तो ये आ गया, राइट। ओके, सो कैन यू प्रिपेयर द टेबल नाउ, लेबर वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 1900 यूनिट्स, स्टैंडर्ड एक्चुअल मैन वुमेन बॉयज आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट कितने आवर्स हैं, 1330, 570, 380, एक्चुअल में 1360, 480, 360, स्टैंडर्ड रेट पर आर 0.8, 0.6, 0.4, एक्चुअल रेट 0.7, 0.65, 0.3, सो 1330 × 0.8, 1064, 570 × 0.342, 880 × 0.4, 152, 180 × 0.4, 152, 152, 158, 160 × 480, 360, 2200, 160 × 0.7, 952, 480 × 0.65, 312, 360 × 0.3108, 952, 312, 108. क्या आ रहा है, देखो 1558, उसके सामने अपने को क्या आ रहा है, 1372, है ना। फर्स्ट लेबर वेरियंस, क्या कॉस्ट आपने सोचा था, 1558, क्या कॉस्ट सोचा था बोलो, 1558, उसके सामने क्या कॉस्ट आ रहा है, 1372, 1558 लेस 1372, 186 फेवरेबल, बराबर ना, 186 फेवरेबल, क्योंकि हम लोगों ने क्या कॉस्ट सोचा था, 1558, हमारे पास क्या आ रहा है, 1372, कितना आ गया, 186 फेवरेबल, इट्स गुड, राइट। नाइन लेबर एफिशिएंसी वेरियंस एंड लेबर रेट वेरियंस, एफिशिएंसी मैन वुमेन एंड बॉयज, क्या आर्स आपने सोचे थे, 1330, 570, 380, उसके सामने 1360, 480, 360 × 0.8, 0.6, 0.4, 0.8, 0.6, 0.4,
उसके सामने 0.7, 0.65, 0.30 इंटू 1360, 480 एंड 360। ट्वेंटी फोर फेवरेबल ना, देन 8 फेवरेबल मिलके 38 फेवरेबल। चेक करो, हाँ या देन 0.8 माइनस 0.7 इंटू 1360 136 फेवरेबल, 0.6 लेस 0.65 इंटू 480 24 एडवर्स, देन 0.4 लेस 0.3 इंटू 360 36 फेवरेबल, टोटल 148 फेवरेबल। चेक करो, 38 plus 148 is 186. Then labor sub efficiency variance, labor mix or gang variance, (2280, 2200, 1558)/(2280). This is always in terms of hours. 2280, 2200 into 1558 / 2280 क्या आएगा? 54.67, दिस इज फेवरेबल, है ना। सिमिलरली लेबर यील्ड वेरियंस, आउटपुट आवर्स, आवर्स 2280, आउटपुट 1900। इफ द आवर्स 2200, आउटपुट शुड बी 1833.34 - 1900. This is comparison of output 1550 / 1900. से डिवाइड होगा 1900। थ्री आउटपुट आना चाहिए, आया 1900। कितना कम आया? 66.67। सही है, सुनो, इंटू 1558 / 1900 54.67 फेवरेबल। तो इज गुड, या इज गुड। 2280 आर से हम लोग को 1900 आ रहा था, तो अगर 2200 डालेंगे तो क्या आउटपुट आना चाहिए, राइट? और उसके सामने एक्चुअल में क्या आ रहा है? सही है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ लेबर मिक्स करो, लेबर मिक्स और गैंग ना, मैन वुमेन एंड बॉयज 1330, 570 and 380. So 2280 into 2200, 2200 and 2200. One two eight
3 माइनस 1360 इंटू 0.8. व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट, व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट. 1330 डिवाइडेड बाय 22 इज सेम लाइक सेल्स एंड मटेरियल ना, लेस 1360 इंटू 0.8 कम्स टू 61.33 एडवर्स. 570 2280 2200 550 उसके सामने 480 इंटू 0.6 550 लेस 480 इंटू 0.6 42 फेवरेबल. 380 2280 इंटू 2200 380 2280 इंटू 2200 366.67 उसके सामने 360 इंटू 0.4 क्या आएगा 2.67 या 2.67 फेवरेबल. सिक्सटी वन पॉइंट थ्री थ्री एडवर्स माइनस 42 माइनस 2.67 क्या आएगा 16.67 ना 16.67 व्हाट एडवर्स 16.67 एडवर्स एंड 54 फेवरेबल क्या आएगा 38 हाँ चलेगा चलेगा वो फ्रैक्शन की वजह से रहता है ना वो चलेगा उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है राइट पॉइंट का जो भी डिफरेंस आएगा उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सही है सुनो फॉलोइंग नो प्रॉब्लम Now you just write it down. application of abnormal ideal time. Application of abnormal ideal time in labor variance. In labor variance. एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम इन लेबर वेरियंस ठीक है अभी देखो क्या रहता है वन इज ए आइडियल टाइम यू कैन डिवाइड इन टू वन इज ए नॉर्मल एंड वन इज ए एबनॉर्मल ये हमेशा आपका क्या रहेगा अनकंट्रोलेबल और ये हमेशा आपका क्या रहेगा कंट्रोलेबल ये हम लोग किससे चार्ज करेंगे चार्ज टू कस्टमर और ये हम कहां चार्ज करेंगे चार्ज टू कॉस्टिंग
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट। तो व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल, व्हाट इज अनकंट्रोलेबल एंड व्हाट इज कंट्रोलेबल, राइट। अभी सपोज कोई भी यू नो दैट वर्कर है इंडियन इंडस्ट्री में, अगर वो 7.5 आवर्स काम करता है तो यू हैव टू पे हिम 8 आवर्स, बिकॉज हाफ एन आवर आपका किस में चला जाएगा, लंच। एंड ये जो हाफ एन आवर है दिस इज टोटली अनकंट्रोलेबल, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको देना है मतलब देना है, बराबर। 7.5 वो काम करेगा लेकिन आपको पेमेंट कितने का करना है, हाफ एन आवर, दैट्स व्हाई दिस इज अनकंट्रोलेबल। इसका मतलब ये पैसा आपको कस्टमर से लेना पड़ेगा। जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे ना, तो अगर एक यूनिट का आपको कॉस्ट निकालना है तो आपको 8 आवर्स लेना पड़ेगा, न कि 7.5, बिकॉज दिस लॉस इज टोटली अनकंट्रोलेबल। वो हमको किससे रिकवर करना पड़ेगा, फ्रॉम द कस्टमर, किससे रिकवर करना पड़ेगा, फ्रॉम द कस्टमर, दैट्स व्हाई दिस इज टोटली अनकंट्रोलेबल, राइट। तो इसको हम क्या, जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे तो पर यूनिट को बनाने में हम लोग कितने आवर्स ले लेंगे, 8 आवर्स। आपको ये देखना है कि अनकंट्रोलेबल है या कंट्रोलेबल। अभी सपोज कोई भी वर्कर है उसने फैक्ट्री में कार्ड पंच किया है 8 o'clock, और मशीन तक आते आते उसको हो गया 8.05, ये अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फैक्ट्री के गेट पे हम लोग मशीन रख देंगे और वो आते ही स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बट इफ योर वर्कर इज रेडी टू वर्क, बट सपोज देर इज ए मशीन ब्रेक डाउन, सपोज द मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी गोन। अभी मैं यहां पढ़ाने को आए, राइट, मेरा लेक्चर है 8 AM to 12, बराबर, मैं आ गया 8 AM to 12, राइट, एग्जैक्टली 8 आ गया। आने के बाद सपोज इलेक्ट्रिसिटी गॉन, मेरा लेक्चर स्टार्ट हुआ 8:30 to 12, तो मुझे तो पेमेंट 4 आवर्स का चाहिए ना, मैं बोलेगा मैं तो अवेलेबल है ना, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मैं क्या करूं, दैट्स योर प्रॉब्लम ना, मैं तो अवेलेबल हूं ना, मैं तो पढ़ाने के लिए रेडी हूं ना, बट इफ नॉट देयर नो प्रॉब्लम करें। तो इसको हम क्या बोलेंगे, That is totally controllable loss. This loss you cannot pass to the customer. ये आप किसको, customer को नहीं भेज सकते, ये आपको क्या करना पड़ेगा, you charge to, it's your own mistake. Material नहीं है, worker तो ready to work है ना, material नहीं है, machine breakdown हो गया, electricity gone, उसका payment कौन करेगा, you have to charge in your own P&L account. Okay? तो जैसे suppose question number 10 में ही अगर अपन देखते हैं ना, थोड़ा सा चेंज करो, क्वेश्चन नंबर 10 को ही अपन करते हैं ना, द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ ए फॉर्म इज एज अंडर, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एक्चुअल टाइम टेकन, टेकन को कट करके आप लिखो पेड, एक्चुअल टाइम टेकन को कट करके आप लिखो पेड, इट मींस एक्चुअल टाइम पेड आपका कितना हो गया 900 आवर्स, एंड एक्चुअल वेजेस पेड 360, कंप्यूट द वेरियंस, आगे उसमें एड करो जरा, कंप्यूट द वेरियंस, इफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम इज 100 आवर्स, इफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम इज 100 आवर्स, अगर आपका एबनॉर्मल आइडियल टाइम 100 आवर्स का है तो आप क्या करोगे, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट यू प्रिपेयर द टेबल ना, स्टेप नंबर 1, दिस इज योर लेबर वेरियंस, स्टैंडर्ड एक्चुअल, आवर्स, रेट, अमाउंट, आवर्स, रेट, अमाउंट, स्टैंडर्ड आवर्स 1000, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 को ही हम लोग ने मॉडिफाई किया है, 1000 इनटू 0.5 आवर्स 500,
एक्चुअल में 900 360.4, समझे? नाउ आउट ऑफ दिस एक्चुअली पेड, एक्चुअली वर्कड इज 800 और एबनॉर्मल आइडियल टाइम इज 100 आवर्स. एक्चुअली में होगा, एक्चुअल में होगा जब आपने एक्चुअल में काम. तो हम लोग ने पेमेंट कितने आवर्स का किया? 9. जब काम कितना किया उसने? 800. तो कैसे वेरियंस कैलकुलेट करेंगे? दिस इज लेबर कॉस्ट वेरियंस. क्या कॉस्ट आपने सोचा था? 500. क्या कॉस्ट आ रहा है? 360. कितने का बेनिफिट हो गया? 140 फेवरेबल. फर्स्ट लेबर एफिशिएंसी वेरियंस. अब जरा ध्यान देना, क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था? 500. क्या कॉस्ट आ रहा है? 360. कितना बेनिफिट हो गया अपने को? 140. अब देखना है, हम लोग प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेंगे बॉस आपने बोला था 1000 एंड यू आर एक्चुअली टेकिंग 900. बोलेगा नहीं, आउट ऑफ 900 फॉर 100 आवर्स, आउट ऑफ 900 फॉर 100 आवर्स माई वर्कर वॉज रेडी टू वर्क बट देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी. तो हाउ कैन यू ब्लेम टू माई वर्कर? वॉट? हाँ, तो हिज वर्कर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल ना. वर्कर तो वॉज रेडी टू वर्क ना. वर्कर वॉज रेडी टू वर्क, इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट देयर, राइट? वर्कर कितना था? 1000 के सामने आपको लेना पड़ेगा 800 इंटू 0.5 एंड दिस कम्स टू 100. यू कैन नॉट ब्लेम टू द वर्कर. समझे या नहीं समझे? राइट. फिर आपका क्या हो जाएगा? लेबर आइडियल टाइम 100 आवर्स इंटू 0.5 58 आवर्स. क्या इज ऑलवेज लॉस ना? ऑल लॉसेज आर एडवर्स ना, है ना? देन लेबर रेट वेरियंस. क्या रेट आपने सोचा था? 0.5. क्या रेट आए? 0.4 इंटू 900 एंड दिस इज 900 फेवरेबल. दिस प्लस दिस प्लस दिस. हाँ, तो पेमेंट तो किया ना आपने. रेट मैनेजर इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल जो उसने एक्चुअल में पे किया. ये आपका एचआर डिपार्टमेंट है, उसको उससे लेना देना नहीं है. नॉर्मल टाइम है या एबनॉर्मल टाइम है, उसको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है. उसको रेट से मतलब है मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आवर्स. रेट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आवर्स. से यस सुनो, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकता ना, यहाँ पे सिंगल है ना. हाँ 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 लेंगे, लेकिन उसको एक्सक्लूड करके रखेंगे. उसको लेंगे, मैं कराऊंगा आगे ना. इसका मतलब आपको आइडल टाइम से मतलब नहीं है, आपको अब यहां से हो जाएगा आपका. दिस इज लेबर सब एफिशिएंसी और लेबर मिक्स. हाँ, 1000 माइनस 800 बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल ना फॉर दिस. आइडल टाइम को आपको टोटली एक्सक्लूड कर देना है. यू आर नॉट कंसर्न, नो वेयर यू आर कंसर्न विद द आइडल टाइम. उसको टोटली क्या कर दो आप? एक्सक्लूड. आइडियल टाइम को यू टोटली एक्सक्लूड. समझे या नहीं समझे? एकदम प्रॉपर आ रहा है समझ में? बोलो. ऑल राइट, नो कंफ्यूजन इसको. और अगर सपोज यहां पर रहेगा तो जब हम लोग करेंगे ना सब एफिशिएंसी करेंगे तो भी आइडियल टाइम को एक्सक्लूड करने का, मिक्स करेंगे तभी भी एक्सक्लूड करने का.
आपके जो भी एक्चुअल आवर्स वर्कड है उसी से आपको कंपेयर करना है, आपका जो एक्चुअल आवर्स वर्कड है आपको उसी से कंपेयर करना है, सही है सुनो राइट। तो नॉर्मली आपके में नहीं है सिलेबस में, बट पूछ सकता है कभी भी। हाँ एबनॉर्मल टाइम, या एबनॉर्मल ये लिखा है ना साइट पे। हाँ हाँ या जैसे मैंने लिखा है ना ऐसे देंगे आपको, जैसे मैंने आपको लिखा है ना आपको वैसे देंगे, है ना। अच्छा अभी कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक क्वेश्चन नंबर 25 जरा देखो अपनी होमवर्क सीट का, क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क सीट का 25 जरा देखो, उसमें थोड़ा सा ये जो नए मॉड्यूल में आपके में दे रखा है काफी अच्छा क्वेश्चन है। होमवर्क के जितने भी समय वो मैंने आईसीआई के न्यू मॉड्यूल से लिए राइट, तो आपका मॉड्यूल भी उसमें कवर अप हो जाएगा ना। देखो जरा अभी देखो द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉय, अभी देखो जरा समझो, सपोज इफ आई एम वर्किंग 8 AM to 8 PM तो मेरा कैपेसिटी क्या हो गया काम करने का, से 12 आवर्स 8 AM to 8 PM मेरा कितना हो जाएगा 12 आवर्स। अभी आप मेरे को बोलते हो सर आप ना मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा रिवाइज करा दो, वाला ठीक है हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप मुझे रिवाइज करा दो, मैं बोला ठीक है तेरे को देख 10 आवर्स लगेगा, तो 2 आवर्स मेरा क्या हो जाएगा बैलेंस, मैं कुछ और काम कर सकता हूं ना इसमें, मेरा बजटेड कैपेसिटी है 12 आवर्स काम करने का है ना, और फॉर ए पर्टिकुलर जॉब मुझे टाइम कितना चाहिए 10, जब मैंने एक्चुअली किया तो मुझे लग गया टाइम, दिस इज एक्चुअल टाइम मुझे लग गया से 11 आवर्स, तो जो कंपैरिजन होगा वो ही दोनों का होगा, नॉट दिस वन दिस, इससे कुछ लेना देना नहीं है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मुझे क्या चाहिए 10 और एक्चुअल आवर्स मुझे क्या लगे 11, तो ये दोनों का कंपैरिजन होगा, कितने आवर्स का लॉस हो गया मुझे 1, तो जरा कॉपी कर लो इसको ना वहीं पे लिख लो तो याद रहेगा है ना। हाँ समझ में आ रहा है प्रॉपर है ना, नाउ यू रिफर क्वेश्चन नंबर 25 तो आपको समझ में आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 25 राइट देखो अभी अपने पास कितने वर्कर्स हैं 32, 12 and 6, पहले समझ लो जरा क्वेश्चन को ना, ऐड करो जरा 32, 12 and 6, जस्ट ऐड कैलकुलेटर पे ऐड करो जरा 32, 12 and 6 है ना 50, और हमारा वीक कितने आवर्स का है 40, इट मीन दे कैन प्रोड्यूस अप टू 2000 आवर्स, 50 वर्कर्स इंटू 40 है ना, लेकिन हम लोगों ने स्टैंडर्ड आवर्स कितने प्रोड्यूस किए हैं ओनली 1800, तो 2000 मेरा क्या था बजट कैपेसिटी,
और 1800 मेरे को चाहिए, तो 1800 से एक्चुअल कंपेयर होगा। हाँ देखो कैसे करेंगे जरा, इट मींस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, आप जरा समझो क्वेश्चन को ना। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट, क्या बोल रहा है, कितने वर्कर्स हैं हमारे पास, स्किल्ड, बोलो, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, कितने हैं, 32, 12, 6 इंटू व्हाट आर द आवर्स, 40, कितना हो गया टोटल, देखो 1280, 480, 240, ये कितना हो गया 2000, बट फॉर ए पर्टिकुलर वर्क द आवर्स इज रिक्वायर्ड ओनली 1800, तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू 1800 डिवाइडेड बाय 2000, इनटू 1800 डिवाइडेड बाय 2000, इनटू 1800 डिवाइडेड बाय 2000, क्या आएगा देखो जरा, 1152 432 216, ये क्या हो गया आपका 1800। जब हम लोग एक्चुअल करने गए, इट मींस दिस इज योर एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, क्या हो जाएगा आपका, स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल, कितने वर्कर्स हैं आपके पास, 28, 18 and 4, वीक इज फॉर 40 आवर्स, 1120, 720, 160, टोटल 2000, समझे अनिश, एकदम प्रॉपर हो रहा है, सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है, देखो जरा टेबल देखो, टेबल देखो, 1152 इंटू 3 432 इंटू 2 216 इंटू 1, इधर 1120 व्हाट इज द एक्चुअल रेट, 4, 720 इंटू 3 एंड 160 इंटू 2, आपका टोटल क्या होना चाहिए था, 4536, एक्चुअल में आपका क्या रहा है, 6960, कितने का लॉस हो गया, 242, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वो तो सेम है, अभी देख लो एक बार ना, समझ लो, या 800 में, उसमें जरा करेक्शन करो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लिख दिया ना वहां, जस्ट पुट इट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, 4536 के आगे ना, मटेरियल लिख दिया ना वहां पे, यहां पे लिखा ना 4536 के आगे, ये तो लेबर कॉस्ट क्या सोचा था हम लोगों ने, 4536 पॉइंट आया कितना, 6960, कितने का लॉस हो गया, 2424, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट, लेबर लेबर यील्ड निकाल के दिखाओ इसमें, नहीं यहां पे आउटपुट नहीं है ना, तो यील्ड अपना क्या रहेगा, सेम आउटपुट नहीं है ना यहां पे, एक्चुअल आउटपुट, तो ये यही अपना सब एफिशिएंसी हमारा क्या बन जाएगा, यील्ड वेरिएंस, सब एफिशिएंसी हमारा क्या बन जाएगा, बोलो, यील्ड वेरिएंस, है ना, ओके समझ में आ रहा है, नेक्स्ट आप लिखो जरा ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, एनालिसिस ऑफ
वेरिएबल ओवरहेड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. दिस इज वेरिएबल ओवरहेड. सपोज अपना प्रोडक्शन मैनेजर अपने को बोलता है, प्रोडक्शन मैनेजर अपने को बोलता है कि वन यूनिट के लिए एट द रेट ऑफ 2 आवर्स, एट द रेट ऑफ 0.5 पर आवर. ऑलराइट, वन यूनिट बनाएंगे, कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स. उसका रेट क्या रहेगा पर आवर? 0.5. अब नाउ योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज से 1000 यूनिट्स, है ना, एंड एक्चुअल आवर्स से 2500 एट द रेट ऑफ 0.4. ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो. प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है वन यूनिट एट द रेट ऑफ 2 आवर्स 0.5, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 एंड एक्चुअल आवर्स 2500 इंटू 0.4. राइट, क्या बना सकते हैं? इट मीन्स फर्स्ट दिस इज योर वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आवर्स, रेट, अमाउंट, आवर्स, रेट, अमाउंट. कितने आवर्स से? 1000. एक यूनिट को बनाने में 2 आवर्स, 2000 इंटू 0.5 1000, 2500 इंटू 0.4 1000. फर्स्ट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस 1000 0. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस और रेट वेरियंस 0.5, 0.4, 2500, 250 फेवरेबल. क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था? 1000. क्या कॉस्ट आया? 1000. वेरियंस इज बोलो 0. वेरियंस इज 0. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस कितने आवर्स थे? 2000. एक्चुअल आवर्स 2500. कितना? 500 एक्स्ट्रा इनटू, नहीं दिस इज गलत, 2000 आवर्स था और 2500 इनटू 0.5 250 एडवर्स और रेट में 0.5 था, 0.4 2500 क्या आएगा? 250 फेवरेबल. ये अपन ने किया था, एक बार वापस रिपीट कराता हूं आपको. क्वेश्चन नंबर 30 जरा देख लो. हाँ 30 होमवर्क सेक्शन में, ना होमवर्क सेक्शन में अपन ने किया भी था, वापस एक बार रिपीट करता हूं लेबर के साथ ना. क्वेश्चन नंबर 30 आप जरा देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 30 देखो जरा क्या बोल रहा है. ये आपके होमवर्क में है और आपके आईसीआई के मॉड्यूल से लिया. राइट, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट. डायरेक्ट मटेरियल 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, डायरेक्ट लेबर 3 आवर्स. द कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 6000 यूनिट्स. मैंने आपको कितना बोला था? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने दे रखा है. आप जरा वेरीफाई करिए बराबर सोल्व किया है कि नहीं. राइट, इट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. सारे सॉल्यूशन का होमवर्क सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है,
तो यू कैन डू इट प्रॉपरली राइट. कौन कौन सा है देखो इनपुट ए बी सी. कितना है प्रोडक्शन 6000 इंटू व्हाट इज द रेट 2, 3 and 5, 2, 3 and 15 क्या हो जाएगा 12,000 यूनिट्स या 18,000 and 90,000. ये इनपुट आपको लगेगा बोलो सॉल्यूशन में दे रखा है मैंने. फिर स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 6,000 into 3, 18,000 hours. सही है सुन राइट. अब आप देख लीजिए जरा स्टेप वन मेटेरियल टेबुलर फॉर्म देखो बराबर से. स्टेप नंबर वन देखो स्टेप नंबर वन आप देखिए इसमें ना 12,000, 18,000 एंड दिस 12,000 इन द क्वेश्चन वो प्रिंटिंग एरर है करके ना. एक्चुअल में दे रखा है वो ना इसमें वो प्रिंट नहीं हुआ है. एक्चुअल में ये दे रखा है 12,500, 18,000 and 88,500 और एक्चुअल रेट भी दे रखा है राइट. मॉड्यूल इसमें प्रिंट नहीं हुआ है उसमें दे रखा है करके ना ठीक है. ठीक है ना हो जाएगा ना सेम है. या आप 31 जरा देखो क्वेश्चन 31 क्वेश्चन नंबर 31 31 जरा देख ले. तो अपन को खाली अभी वेरिएबल ओवरहेड का कर लेते हैं अपन ना है ना. तो वेरिएबल ओवरहेड क्या कैसे करेंगे. वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस हमेशा किस पर डिपेंड करेगा ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन 15,000 यूनिट्स बराबर. और इन लोग को क्या चाहिए ओवरहेड स्टैंडर्ड एंड दिस इज एक्चुअल राइट. यूनिट्स रेट अमाउंट यूनिट्स या अभी इसको रहने दो बाद में करते हैं. ये इसके ओवर फिक्स्ड ओवरहेड ही है ना इसके साथ वो बाद में देखते हैं इसको. फिक्स्ड ओवरहेड भी साथ में है ना.